सांखला कुल्फी 4 नग रेगुलर 100 रुपए, सांखला कुल्फी 4 नग स्मॉल 50 रुपए, शुगर फ्री कुल्फी 34 रुपए, सांखला आइसक्रीम कप 20 रुपए, वनीला पार्टी पैक 700 ml 60 रुपए, बटर स्कॉच पार्टी पैक 700 ml 80 रुपए, वनीला पार्टी पैक 1250 ml 110 रुपए, बटर स्कॉच पार्टी पैक 1200 ml 120 रुपए, ओरियो पार्टी पैक 1000 ml 150 रुपए, बटर स्कॉच पार्टी पैक 4 लीटर 380 रुपए, वनीला पार्टी पैक 4 लीटर 300 रुपए। सांखला कुल्फी में और भी बहुत कुछ कूल कूल, अन्य स्वादिष्ट फ्लेवर में भी बहुत कुछ उपलब्ध। ऑफर स्टॉक की उपलब्धता पर मेन काउंटर, सांखला कुल्फी, रेलवे क्रॉसिंग, स्टेशन रोड, बीकानेर। कॉन्टैक्ट 8279210642। सिंथेसिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, वी सिंथेसाइज योर ड्रीम्स। सिंथेसिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, द ओनली फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर्थ इंडिया, बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन बीकानेर, उत्तर पश्चिम राजस्थान का लार्जेस्ट फैकल्टी टीम वाला एकमात्र संस्थान, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ST इन एम्स 2017 एंड नीट 2016, ICAR 2014 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक ओवरऑल, नीट AIPMT RPMT में अब तक 1603 सिलेक्शन, एम्स में 125 सिलेक्शन, NIT और IIT में 87 सिलेक्शन, 2 बार RPAT में पूरे राजस्थान में पहली रैंक और 3 बार RPVT में फर्स्ट रैंक। कम एंड विजिट सिंथेसिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम्स, जहां होंगे रेगुलर डाउट सॉल्विंग क्लासेस, लॉन्ग ईयर लेवल टेस्ट सीरीज फॉर एम्स, नीट, IIT, JEE। इसके साथ ही 80% से ज्यादा अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को सिंजी स्कॉलरशिप। सिंथेसिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन, ज्ञान टावर, नियर शिवबाड़ी सर्कल, ओल्ड शिवबाड़ी रोड, बीकानेर। कॉन्टैक्ट 0151-220-6735, 8003094891 और 92 और 93। वेबसाइट www.synthesis.ac.in। आपका एक राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टेशुदा प्लॉट्स में मात्र 7500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपनी प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर, आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंग और आप देख रहे हैं न्यूज अब तक। आइए डालते हैं एक नजर दिनभर की खास सुर्खियों पर। नालों पर बने हुए अतिक्रमणों पर जेबीसी का चला पंजा। RSRTC एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के दिया धरना और किया प्रदर्शन। डोंगरगढ़ के दुलचासर गांव में गौशाला में गायों की मौत को लेकर हंगामा। MM ग्राउंड पर चल रहा है द्रोणाचार्य तीरंदाजी एकेडमी में युवा प्रशिक्षण शिविर। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के 1 वर्ष पूरे होने के उपरांत अनेक उपलब्धियों का बखान किया पत्रकार वार्ता। और सामाजिक विषय में अभ्यर्थियों के खिलाफ अन्याय के विरोध में अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। मानसून सर पर है और बीकानेर में नगर निगम मानसून की तैयारियों को लेकर काफी चाक चौबंद दिखाई दे रहा है। आज बीकानेर शहर में अनेक स्थानों पर कॉलोनियों में नालों पर बने हुए अतिक्रमणों को जेसीबी की मशीन के द्वारा हटाया गया। गौरतलब है कि मानसून के मद्देनजर जहां नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, इन्हें दुरुस्त करने के लिए जेसीबी के माध्यम से इन नालों पर बने तमाम अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं मुक्ता प्रसाद क्षेत्र में और खास तौर से इस गजनी रोड पर जहां नालों पर अतिक्रमण बने हैं, वहां पर जेसीबी मशीन के द्वारा न केवल इन अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया बल्कि उन्हें अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि जो नालों पर अतिक्रमण बने हैं उन्हें बेसमय रहते खुद ही हटा लें। फैक्ट्रियों के अंदर चले जाइएगा, 10-10 घंटे 12-12 घंटे तक उनसे काम दिया जा रहा है।
और उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं गया। अतिक्रमण हटाने पहुंचे इस टीम के लोगों से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर पूरा मामला क्या है। लोगों ने अतिक्रमण करके इसको कवर कर लिया, तो बरसात के मौसम को देखते हुए इसको सबको अतिक्रमण को नाले के ऊपर उसको हटाए जा रहे हैं नगर निगम और नगर विकास और जिला प्रशासन के सहयोग से, ताकि बरसात के सीजन में कोई अवरुद्ध पैदा ना हो। और भी नाले हैं सर बरसात के मौसम प्रकार के, और भी नाले चिन्हितकरण किए जा रहे हैं और बरसात के सीजन से पूरे सभी नालों को जो भी अतिक्रमण है उनको हटाया जाएगा। RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन किया। एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों की पेंशन, उनकी ग्रेजुटी और उनकी तमाम तरह की समस्याएं जो अब तक पूरी नहीं हुई है उन्हें वे पूरा करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं RSRTC रिकॉर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के इस मीटिंग के कुछ संपादित अंश। मीटिंग के पश्चात हमने इन कर्मचारियों से की बातचीत। राजस्थान रोडवेज में रिटायरमेंट कर्मचारी एसोसिएशन प्रदेश स्तर के ऊपर निर्णय लिया गया कि रोडवेज कर्मचारियों के कई सालों से भुगतान नहीं हो रहे, चाहे वह ग्रेचुटी के हो, ओवर टाइम का हो, पेंशन के हो, सभी भुगतान राजस्थान के 3,500 कर्मचारियों के लगभग 500 करोड़ का बकाया पड़ा है। हम राजस्थान सरकार और निगम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारे जो रिटायरमेंट कर्मचारियों के हैं सभी प्रकार के भुगतान हैं वो मैं ब्याज जो ब्याज सहित हमारे को दिए जाए और उनका भुगतान तुरंत किया जाए। राजस्थान सरकार के द्वारा श्री डूंगरगढ़ की दुलचासर स्थित गौशाला में अनेक गायों की मौत चारा खाने की वजह से हो गई। गौरतलब है कि इस हादसे के बाद में पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, लोगों में काफी आक्रोश है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। खासतौर से गायों के मरने की जैसे ही सूचना मिली गांव वालों में आक्रोश फैल गया और लोग एक जगह इकट्ठा होने लगे, प्रशासन की लापरवाही को लेकर के और आरोप भी लगाने लगे। पहले दिखा रहे हैं कि कैसे डुलचासर की गौशाला में अनेक गायों की मौत का जिम्मेदार जो है उसे सजा मिले और इस बात को लेकर के ग्रामीण एक राय होकर के न केवल बैठक करने लगे बल्कि ये मांग भी करने लगे कि इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार को तलाश है लेकिन कर्मचारियों को शिवाजी उदय चाहिए, फैक्ट्रियों के अंदर चले जाइएगा, 10-10 घंटे 12-12 घंटे तक उनसे काम किया जा रहा है और उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर आक्रोशित लोगों से हमने की बातचीत। जो श्री डूंगरगढ़ जो वीर बिग्गा जी महाराज अंचल है जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, बीकानेर जिले के अंदर राजस्थान पूरे के अंदर आज डूंगरगढ़ शर्मसार है। इस प्रकार की घटना सिस्टम की लापरवाही के कारण हो गई। आप खुद अब जो इस प्रकार के सैकड़ों की संख्या के अंदर जो गायों की जान गई है और पूरे व्यक्ति विशेष किसी का हम नहीं कह रहे लेकिन सिस्टम के अंदर इसके अंदर पूरी लापरवाही रही है। किस प्रकार से 9 बजे से गायों का मरना शुरू हो गया, रात को 12 बजे तक प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ और इसको लेकर हमारी पूरी मांग है कि जब तक आगे कोई दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो गौशाला को कलेक्टर अपने कब्जे के अंदर ले, प्रशासन इसको चलाए और जो इसके अंदर दोषी है ऊपर से लेकर नीचे तक जो पूरा सिस्टम है अगर दूषित चारा आया या किसी प्रकार की लापरवाही हुई है उसकी पूरी जांच हो, अलग से कमेटी बने और जब तक इसका पूरा निर्णय नहीं हो तब तक कलेक्टर इसको गौशाला को अपने कब्जे में ले। कुल कितनी गायें मरी? सैकड़ों की संख्या में गायें मरी है यहाँ पर और पता नहीं कि 10-15 गाय तो सुबह मरते ही यहाँ हॉस्पिटल के सामने उन्होंने डलवा दी, वो ग्रामीणों ने खुद अपनी आंखों से देख ली। और भी बड़ा ये सूरसर दुलचासर ये बड़ा एरिया कांकड़ में आसपास और भी हो सकता है कहीं पर गायें मिले, इसको संख्या के आधार पर नहीं रख सकते। जैसे राजस्थान के अंदर हिंगोनिया गौशाला के अंदर जो घटना हुई थी उससे बड़ी ये घटना है, सैकड़ों की संख्या के अंदर गायें मरी और बहुत कम समय के अंदर मरी। यहाँ पर देखा कि वो रेस्क्यू टीम नहीं थी, प्रशासन लापरवाह था और मौके पर प्रशासन सुबह 9 बजे घटना शुरू हुई थी, रात को 12 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों के अंदर पूरा रोष है और इस पूरी घटना के जब तक प्रशासन यहाँ पर पहुँच कर आश्वासन नहीं देगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा।
वहीं गौशाला में गायों की इस मौत के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात और इस हादसे के कारण जाने के लिए हमने राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष कोडाराम भादू से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा कि जो है वह चारे में कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से शायद इन गायों की मौत हुई, लेकिन उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि इसमें किसी का मेलाफाइड इंटेंशन है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जैसे ही सूचना मिली उपचार और बचाव जो है वह जल्द ही जल्द हमने शुरू कर दिए थे। आइए देखिए क्या कुछ कहना है राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष कोडाराम भादू का। ये जो कल दुलसासर के गौशाला में घटना हुई है, ये एक्सीडेंट कह सकते हैं हम। रात चारा है वो गौशालाओं में अक्सर खिलाया जाता है और बहुत सारी गौशालाएं जो समय समय पर पशु जब कमज़ोर हो जाते हैं तो सूखे चारे के साथ हम लोग हरा चारा खिलाते हैं। कल जो चारा आया उसमें डॉक्टरों का ये कहना है कि इसमें जवार पॉइजन रहा है, जवार के साथ कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से पशु पर असर करता है। जिन पशुओं ने ज़्यादा खाया है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी, उन गायों की मौत हो गई। जो पचाने में सक्षम थे या जिन्होंने कम चारा खाया वो बच गए। जो घटना की जानकारी मिली, सिविल प्रशासन और डॉक्टरों की टीम तुरंत पहुंच गई। रात से लगातार ट्रीटमेंट चल रहा है, गांव वालों का पूरा सहयोग है, जितना संभव हो सका गांव वालों ने सहयोग किया और जितना संभव गायों को बचाने में हो सका पशु पालन विभाग और सिविल प्रशासन ने पूरी पूरी कोशिश की है। हमारा ये मानना है कि प्रबंधन की इसमें कोई गलती नहीं है और जहाँ से ये चारा आ रहा है उसका भी ऐसा कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं रहा होगा कि गायों की कोई मृत्यु करे, गायों को मारे, लेकिन संयोग वश इस खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। प्रवेश प्रारंभ बीकानेर पब्लिक स्कूल BPS CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित DG बोर्ड से पढ़ाई करवाने वाला अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जहां होता है आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास। BPS जहां शिक्षा के साथ स्वास्थ्य और करियर मार्गदर्शन पर दिया जाता है विशेष ध्यान। सर्व सुविधाओं से युक्त बीकानेर का पहला वातानुकूलित स्कूल, शहर के हर कोने से बच्चों को लाने ले जाने की माकूल व्यवस्था, खेल कूद की सभी सुविधाएं, प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से कक्षाएं। तो आज ही आएं और अपने बच्चे को प्रवेश दिलाएं। बीकानेर पब्लिक स्कूल, कम फीस में बेहतर शिक्षा। तो आएं बीकानेर पब्लिक स्कूल, बी ब्लॉक करनी नगर, लालगढ़, बीकानेर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9413730794, 0151253074। चाट बाजार AC रेस्टोरेंट, जसूसर गेट के अंदर SBI बैंक के सामने, बीकानेर। चाट बाजार जहां सब कुछ एक ही छत के नीचे आपके लिए, लजीज फास्ट फूड, जूस, नाश्ता, ब्रेकफास्ट और भी बहुत कुछ। चाट बाजार जसूसर गेट, चाइनीज फूड, साउथ इंडियन, देसी फूड, कई तरह के स्वादिष्ट पराठे, नाश्ता, फ्रेश जूस, रियल जूस। चाट बाजार जसूसर गेट, ठंडा ठंडा कूल कूल बर्फ कोला, आइसक्रीम की ढेरों वैरायटी। चाट बाजार, पैकिंग चिप्स, केक, स्पेशल मद्रासी कुल्फी, स्लाइस मसाला डोसा। चाट बाजार AC रेस्टोरेंट, ड्रीम ऑफर के साथ विशेष छूट भी आपके लिए, परिवार के लिए। चाट बाजार AC रेस्टोरेंट, अपनों के लिए अपनों जैसा। जसूसर गेट SBI बैंक के सामने, बीकानेर। SDP मेमोरियल स्कूल, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कंडीशन्ड क्लासरूम्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, कवर्ड स्विमिंग पूल, वेल इक्विप्ड साइंस लैब, अट्रैक्टिव एंड एनहांस्ड लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैब्स, डांस एंड म्यूजिक रूम, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम विद अ ग्रेट अकोमोडेशन, सिस्टमैटिक एंड होलिस्टिक टीचिंग अप्रोच, इनकॉर्पोरेशन ब्रेन एक्सरसाइज एंड स्मॉल ग्रुप अप्रोच, कमिटेड एंड डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर एक्सीलेंट एकेडमिक अचीवमेंट, इफेक्टिव स्टूडेंट टीचर रेशियो 25:1, स्ट्रेस फ्री, बायस एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग एटमॉस्फेयर, एम्फेसिस ऑन प्ले वे मेथड्स फॉर प्री स्कूल, LKG, UKG एंड ग्रेड 1, एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 12th, SDP मेमोरियल स्कूल, श्री द्वारकापुरी, इनसाइड जसूसर गेट, बीकानेर। न्यू कैंपस, सेक्टर 3, मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर। मोबाइल 9983995831, 9983322831, 9875273831, 9610447606। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उसी के चलते बहुत सारे संस्थान जो हैं योग प्रशिक्षण शिविर संचालित कर रहे हैं। बीकानेर के MM ग्राउंड में भी इन दिनों ऐसे ही द्रोणाचार्य तीरंदाजी एकेडमी के द्वारा 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जहां पर खिलाड़ियों को योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार को तो लाभ है, लेकिन कर्मचारियों को
फैक्ट्रियों के अंदर चले जाइएगा, 10-10 घंटे 12-12 घंटे तक उनसे काम किया जा रहा है और उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा। योग का प्रशिक्षण ले रहे इन तीरंदाजों को योग की शिक्षा और प्रशिक्षण क्यों जरूरी है, इसके लिए हमने बातचीत की तीरंदाजी के प्रशिक्षक गणेश व्यास। द्रोणाचार्य तीरंदाजी संस्थान जो एमएम ग्राउंड में संचालित हो रही है उसके तहत अभी 7 दिवसीय तीरंदाजी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। उसमें अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का योग दिवस जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसके तहत हम यहाँ पर साफा पहना करके जो पहाड़ी क्षेत्र से योग शुरू हुआ उसको मरुस्थल क्षेत्र पर लाने का कार्य कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सारे राजस्थान के लोग, मरु प्रदेश के लोग इसमें शामिल हो और इसको भरजन करके हिस्सा लेकर के इसको सफल बनाएं। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के 1 वर्ष पूरे होने के उपरांत एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा गया जिनमें कुलपति HD चारण ने बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की 1 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा पत्रकारों के सामने रखा। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहना है कुलपति HD चारण का। तो बने लगभग 1 साल हुआ है, 1 साल में हमने बहुत ही काम किए हैं, विशेष रूप से एकेडमिक के क्षेत्र में काम किए हैं। हम नए नए कोर्सेज लेके आए हैं जो राजस्थान में पहली बार कोई सरकारी विश्वविद्यालय में है। हमने सभी कोर्सेज के सिलेबस स्कीम बना दिए हैं, MTech के कोर्सेज भी हमारे पास आए हैं, BTech के कोर्सेज हैं, BDS के कोर्सेज हैं, उन सबको स्कीम सिलेबस सब तैयार हो गए हैं। यूनिवर्सिटी के अपने स्ट्रेटजीज ऑर्डिनेंस बना के हमने भेज दिए हैं, गोल्डन हाउस को प्रोसेस में है। MTech के रेगुलेशंस भी हमने बना दिए हैं। इसी तरह के एकेडमिक के जितने काम हो सकते थे वो सभी बीकानेर की प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में पिछले 8 दिनों से धरना चल रहा है। सामाजिक विषय के विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ में और जो रिक्तियां हैं उन्हें भर्ती करने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। कुल मिलाकर के रीट में पास इन तमाम अभ्यर्थियों का ये कहना है कि संस्कृत में, सामाजिक में काफ़ी जो सीटें हैं वो रिसर्वल के बाद में खाली पड़ी है, लेकिन सरकार ने 54,000 पदों की भर्ती का वादा किया था जिसे भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा आज उन्होंने झाड़ू निकाल करके और अपना विरोध प्रदर्शन किया। दिखाते हैं हम आपको इनके विरोध प्रदर्शन की कुछ झलकियां। विरोध प्रदर्शन करने के पश्चात हमने यहाँ इन अभ्यर्थियों से की बातचीत और कांग्रेस ने हमारे साथ वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि 54,000 की भर्ती हम कंप्लीट करेंगे और वर्तमान में शिक्षा मंत्री जी ये बयान भी दे रहे हैं कि 54,000 की भर्ती हमने कंप्लीट कर दी, जबकि स्थिति उससे उल्ट है क्योंकि हमारे संस्कृत विषय तो ऐसा है उसमें 80% सीटें खाली पड़ी क्योंकि 612 में से 526 पर रिसर्वल वेटिंग जारी किया और इसके बावजूद 500 सीटें खाली पड़ी। इसी तरीके से सामाजिक ज्ञान के अंदर 40% सीटें खाली पड़ी हैं, जबकि हम बेरोजगार बार बार कभी निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं, यहाँ आते हैं तो ये कहते हैं सरकार के पास जाओ, वहाँ शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, उप मुख्यमंत्री से भी हम मिले हैं, मुख्यमंत्री से मिले। कितने दिनों से धरना लगा रहे हैं यहाँ सर? हमने 10 तारीख से अपना धरना यहाँ से स्टार्ट कर रखा है, 8 दिन हो गए, नहीं तो हमारी ये सुन रहे हैं, नहीं सरकार हमारी मांग सुन रही है। बीकानेर के महात्मा लालीबाई पार्क में भी इन दिनों स्वर्गीय मक्खन जोशी वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क योग शिविर चल रहा है। इस योग प्रशिक्षण शिविर में बड़ी संख्या में बच्चे बड़े पहुंच रहे हैं। 21 जून को चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसे लेकर के जबरदस्त अवेयरनेस बीकानेर में भी देखी जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं महात्मा लालीबाई पार्क में चल रहे प्रशिक्षण शिविर के संपादित अंश। दोनों हाथ आपके कॉडी के पास
श्वास को भरते हुए एक रिलैक्स योग के बारे में एक जनरल सबको बताना चाहता हूँ कि योग करने से क्या फ़ायदे होते हैं। योग करने से शारीरिक दुर्बलता की कमी आती है शरीर में, और दूसरा सबसे बड़ा ये सर्वांगीण विकास, जैसे हमारे यहाँ छोटे बच्चे योगाभ्यास का रोज़ योग अभ्यास करते हैं, उनमें सर्वांगीण विकास क्या है। बच्चों की जो नींव ही कमज़ोर रहेगी तो अपना भविष्य कहाँ उज्ज्वल होगा। नींव को मजबूत करने के लिए यहाँ बच्चों को हम योगाभ्यास करवाते हैं। फेफड़ों में गया, मस्तिष्क में गया, उसको बाहर निकाला, हमें फील होता है कि हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। योग का अर्थ है जुड़ाव, तो हम ऑक्सीजन का लेना और बाहर निकालना। और योग आज के जीवन में इसलिए ज़रूरी है, ये तनाव प्रदूषण से जो श्वास की तकलीफ, हार्मोन्स डिसऑर्डर महिलाओं में, और जो घरेलू हिंसा हो रही है अगर महिलाओं के लिए, तो उनके लिए मेडिटेशन, ये सब योग में आते हैं। और आप सब योग करें और निरोग रहें। योग और चलते चलते डालते हैं नजर आज की खास खास खबरों पर। अतिक्रमणों पर जेबीसी का चला पंजा। आरएसआरटीसी एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के दिया धरना और किया प्रदर्शन। डूंगरगढ़ के दुलचासर गांव में गौशाला में गायों की मौत को लेकर हंगामा। एमएम ग्राउंड पर चल रहा है द्रोणाचार्य तीरंदाजी एकेडमी में योग प्रशिक्षण शिविर। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के एक वर्ष पूरे होने के उपरांत अनेक उपलब्धियों का बखान किया पत्रकार वार्ता। और सामाजिक विषय में अभ्यर्थियों के खिलाफ अन्याय के विरोध में अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। पर इससे पहले कि हम आपसे विदा ले, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण विचार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। राइट स्टेप आपके आने वाले कल को बेहतर बना देता है, तो ले राइट स्टेप और इन्वेस्ट करें 200 फीट जयपुर जोधपुर बाईपास पर फ्री होल्ड पट्टे शुदा प्लॉट्स में मात्र 7,500 की मासिक किश्तों में। राइट स्टेप जो लेकर आया है बीकानेर में पहली बार अपने प्लॉट खरीद पर 90% तक का कैशबैक ऑफर। आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं।